स्टेशन पर से मारने ले बच्चा के घिसिए नहीं ले स्टेशन पर से मारते मारते या कपार फोड़ दल के हाथ फोड़ दल के या सब चीज देखे छी आरो बच्चा के जाके केस करो पीट है या पीट हाथ फोड़ दल के मर जते बच्चा तो बच्चा देखे उ मास्टर इतना ही नहीं। अच्छा कौन स्कूल में पढ़ रहा था? ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल बस स्टैंड के सामने। बस स्टैंड के सामने अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। शिक्षा इस शब्द को भली भांति सभी लोग जानते हैं और शिक्षा के मंदिर को स्कूल कहा जाता है, ये भी समाज के हर एक तबका को पता है। लेकिन देश में कई घटनाओं का खबर आपने सुना होगा, लेकिन आज मैं जो खबर आप सभी को देने जा रहा हूं ये बहुत ही आश्चर्यजनक और अचंभित है। आपको बता दूं कि भरगमा स्थित एक इस पंचायत है जिसका नाम हरिपुर कला पंचायत। इस पंचायत में वार्ड नंबर 15 के निवासी दीपक पासवान अपने बच्चों को बनमनखी अनुमंडल स्थित बस स्टैंड में ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल के हॉस्टल में दाखिला करवा दिया और निश्चिंत हो गया कि अब मेरा लाडला पढ़ने में सफल हो जाएगा। लेकिन इसे क्या पता था कि स्कूल में भी जात पात और पढ़ाई में भी देश की राजनीति की तरह अग्रिम और पिछड़ी का व्यवहार होगा। इस स्कूल के प्रधान अध्यापक श्री विवेकानंद यादव ने इस तरह से इस बच्चे के साथ किया मानो एक अपराधी अपराध करते समय अपने विवेक को छोड़ अपने कर्म को देखता हो। अब देखना ये होगा कि कोई भी आदमी अपने बच्चों को किसी भी प्राइवेट स्कूल में किसी भी कीमत पे हॉस्टल में नहीं रखेगा, क्योंकि दीपक पासवान के बच्चों के साथ जो हुआ वो शिक्षा के मंदिर को बदनाम करके रख दिया। और आप भी संभल जाइए ऐसे स्कूल से, क्योंकि बच्चा ही नहीं रहेगा तो शिक्षा तो दूर अपने आप में भी खो जाएगी। जो दीपक पासवान के बच्चों के साथ हुआ वो आपके बच्चों के साथ भी हो सकती है। इस तरह के प्राइवेट स्कूल से बचिए, सुरक्षित रहिए। आइए देखते हैं उस स्कूल की कहानी, वहाँ रह रहे बच्चों की जुबानी। आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इस तरीके के घटनाओं पर ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। जी हां, घोर अन्याय हो रही है सुशासन बाबू के सरकार में। आपको बता दें कि बनमनखी स्थित एक कॉन्वेंट है ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल, उसमें दीपक पासवान जो कि हरिपुर कला पंचायत के रहने वाले हैं, वो वार्ड नंबर 15 के रहने वाले हैं, और उनका बच्चा को हॉस्टल में जब रखा गया तो वहां पे एक ही चीज दिखाई दिया, सबसे पहले ये कि ये निचले जाति के लोग हैं। एडमिशन तो हो गई, पढ़ाई भी हो रही थी, लेकिन उसको धीरे धीरे मानसिक प्रताड़ित से लेकर के शारीरिक प्रताड़ित तक किया गया। आपको ये बता दें कि ये इतना छोटा बच्चा को इस तरीके से कैसे कोई टीचर कोई गुरु मार सकता है, क्योंकि बच्चा देश का भविष्य होता है, इसको यहाँ पे आपको समझना होगा। निचले तबके के लोग को अभी तक उठने नहीं दिया जा रहा है। सुनिए सुशासन बाबू, आपके सरकार में ये घोर अन्याय नहीं होगी, क्योंकि आने वाले पंचायती राज के चुनाव में हो सकता है आपको नकारा जाए। आइए हम, हमारे गुरुजी भी रह चुके हैं ये, हम इन्हीं के जो जिस समय में ये पढ़ा रहे थे, टीचर थे, अब तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इनसे हम पूछते हैं कि इस घटना के ऊपर इनका क्या प्रतिक्रिया है, क्या इस तरीके से बच्चे को मारा जाता है? सबसे पहले तो मास्टर जी ये बताइए, ये आप तो रिटायर कर चुके हैं, ये जो बच्चा को मारा गया है, क्या इस तरीके की मार बच्चे को पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए। किस तरीके से आप देखते हो इस, आप इस युग में इस तरीके का टीचर को, इस तरीके से व्यवहार, इसको किस तरीके से देखते हैं आप?
इस तरह से व्यवहार नहीं होना चाहिए, ऐसे बच्चों को नहीं मारना चाहिए। तो हमको कहीं ना कहीं कोई बोल रहा था कि जाति सूचक के आधार पर भी कुछ ऐसा उसके साथ व्यवहार किया जा रहा था, इस जाति वाला जो शब्द है इसके ऊपर में क्या कहेंगे आप? इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। एक रिटायर्ड टीचर है, इनको बहुत सारा तजुर्बा है, चूंकि 25-30 साल इन्होंने अपना समय शिक्षा में दिया है। अब इस तरीके का सोच अब के टीचर में आ रहा है, पहले तो ऐसी घटनाएं नहीं होती थी। आइए हम और भी लोगों से जानते हैं कि उनका क्या प्रतिक्रिया है। अच्छा आप बताइए कि क्या इस बच्चे को जो मारा है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो फिर हमें से मारा, भले मर जाए, हरिजन का बच्चा, हम तो सोचते हरिजन से किस ढंग से मारा गया। ये समझ था उसका यही समझ था ना, यही समझ था ना, यही समझ था ना। छोटा सा तड़का का लोग मारने के बाद ये क्या करेगा, कहाँ जाएगा? और ये भी बोला है तुम जहाँ जाना हो जाओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब वो टीचर बोला जहाँ जाना है जाओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, यानी बच्चे को मार दे जो कर दे, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? क्या कहेंगे, ये तो सरासरी गलती है, सरासरी गलती है, टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बच्चे को जो प्रताड़ित किया गया इस तरीके से, इस बच्चे को जो इस मतलब इस स्थिति में लाके छोड़ दिया है, क्या पता इसको अंदरूनी में बहुत सारा मार पड़ा होगा, हो सकता है कि इसको आगे चल के और कोई बीमारी हो सकता हो सकता है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? ये बच्चा को इस तरह जो मारपीट किया गया है एक जातिवाचक के भावना से, जातिवाचक की भावना से मारपीट किया गया। अगर जातिवाचक का भावना नहीं होता तो बच्चा को इस तरह से नहीं मारपीट किया जाता। महिष माल को भी मारा जाता है तो देख के मारा जाता है। ऐसा कोई भी गार्जियन नहीं है कि प्राइवेट हो या सरकारी संस्था हो, उसमें अपना बच्चा को जाकर के एडमिशन करवाता है और ये नहीं कहता मेरा बच्चा बदमाशी करे तो उसको शासन, शासन ऐसा नहीं हो कि बच्चा शासन के बदला मर ही जाए। अच्छा कुछ और कोई बात बता रहे थे कि जानकी नगर में इससे पहले कुछ घटनाएं हुई थी, हाँ, क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, जानकी नगर के बच्चा से भी ऐसा घटना वो मास्टर किए हैं, जो बच्चा 6 महीना बीमार होकर के मर चुका है, मर गया। हाँ, गरीब आदमी था, वो कुछ कर नहीं पाया, कर नहीं पाया। गरीब आदमी तो रोटी खाने के लिए तड़प रहा है, वो आगे के प्रोसेस में कैसे जाएगा? तो आप अभी जो आपके बच्चे को ऐसा इस तरीके से किया गया है, आप आगे के लिए क्या सोचे हैं? आगे हम बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, क्या परिचय है आपका? हमारा नाम है राजेश कुमार पासवान। आप इसका कौन है? मम्मी है। हाँ। इसका पिताजी का क्या नाम है? दीपक पासवान। अच्छा ये बताइए क्या क्या हुआ था, आप कैसे कैसे इनको, ये जो अभी इसका हालत है, कैसे आप गए थे स्कूल? कह रहे कि नहीं रक्षाबंधन नहीं आए, रक्षाबंधन यानी रक्षाबंधन में आपको नहीं बुलाया? नहीं। अच्छा हमें तैयो जबरदस्ती फोन के लिए कहिए हमारे बच्चा को फोन दियो, जबरदस्ती की हेलो कर लिए, बच्चा बोल मम्मी बस ये फोन ले लगे सब, यानी इससे टीचर अपना फोन ले लिया, यानी इसको बोलने नहीं दिया गया, छीन लड़के उसी बीच में मारपीट हुई थी। दो तीन रोज पहले यानी रक्षाबंधन के आगे पीछे मारपीट हुआ, तो रक्षाबंधन इनको जाने के लिए नहीं दिया, वहां से आने के लिए नहीं दिया, बताइए। तो आपको कैसे लगा कि इसको मारपीट हुआ है, या कोई सूचना मिली थी क्या? हाँ, हमारे लड़का बड़का लड़का आपको बोला ना मारे तब भाग गए, यानी दोनों बेटा आपका था वहाँ, यानी इसको मारा तो वो भाग गया, बड़ा भाग गया, बड़ा वाला भाग गया। अच्छा कुछ साथ में लेके भागा था, किस चीज से मार रहा था? कौन लाठी लाया था? आप देख सकते हैं ये लाठी है, और ये दुख हरण बच्चे का दुख को हरने के सिवाय दुख देता है। ये मास्टर का ऐसा लाठी है, इससे पिटाई होती है, आप सभी देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, क्या नाम है बाबू तुम्हारा? अंकित कुमार। पिताजी का क्या नाम है? दीपक पासवान। अच्छा ये बताओ दोनों भाई एक ही हॉस्टल में रहता था, कौन स्कूल में पढ़ता था बेटा? ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल। इसको क्यों मारता था मास्टर? भाग गया। अच्छा ये भाग गया था, इसको जब मारने लगा तो तुम भी वहां से भाग गया? जी सर। तुम भाग गया कि क्या डर हुआ कि तुमको भी मारेगा, ऐसा लग रहा था तुमको? अच्छा और कुछ चीज स्कूल के बारे में तुम बता सकते हो कि किस तरीके से वहां बच्चे को पढ़ाया जाता है, पीटा जाता है, ऐसा कुछ देखने को मिला तुमको?
पहले ही बांध दिया और टांग इसमें लाठी घुसा के अच्छा। आगे घसकाता था पीछे से मारता था। वो पैर बांध करके लाठी घुसाया था जैसे थाना में मारता है उस तरीके से मार रहा था। तेल लगा लगा पत्थर। अच्छा अब ये बताओ बेटा कि तुमको उस स्कूल में और कोई तरीके से प्रताड़ित किया जाता था जात वात लेकर के भी? क्या बोलता था? हम लोग छोटा दूसरा मुसड़ का बच्चा क्या पढ़ेगा ऐसा बोलता था। एक बार फर्स्ट बार मारा तो तब इसके दोबारा भी भाग गया था फेंक दिया हाँ। फिर तब हम भागे पहले हाँ। तभी भाग गया था पकड़ा गया तब इसको फिर मारा मारा यानी कि ये पहले बार भागा फिर पीटा था। वो जी क्या था तब हम तेल लगा दिया तब मारा कचका कच्ची चार कचका कच्ची दो इसको तेल लगा के मारा और बेटी और पत्नियों मारे ने छाती पर चढ़े बेटी पत्नी सब मिलकर मारता था ठीक। अच्छा आप क्या करना चाहते हैं इंसाफ कैसे चाहते हैं सर? केस कीजिए सारा मामला को समझ चुके हैं कि किस तरीके से एक निचले तबके के लोग को सताया जाता है शिक्षा के नाम पे योजना के नाम पे बिहार में रहने के नाम पे। बिहार में आरक्षण की तो बात होती है लेकिन आरक्षण के आड़ में जो इस तरीके से बड़े जाति के लोग हैं वो छोटे जाति के लोग को प्रताड़ित करते हैं। और आइए आपको दिखाते हैं कि बच्चे को किस तरीके से मारा है और हम उससे पूछते हैं किस तरीके से उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। क्या नाम है बाबू? आदित्य कुमार। आदित्य कुमार कौन सा स्कूल में पढ़ते हो? ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल। अच्छा बाबू ये बताओ तुमको कैसे कैसे मास्टर करता था? लाठी ले लिया पीठ पूरा फाड़ दिया माथा मारा दो लाठी घिस पूरा अच्छा दवा नहीं दिया था दवा भी नहीं दिया। अच्छा मारा क्यों था? भागे थे। अच्छा स्कूल से भागा था जी। मतलब कि स्कूल से बाहर चला गया था इसलिए मारा हाँ। यानी दूसरा कोई कारण नहीं है सिर्फ स्कूल से तुम भागा था इसलिए इतना मारा जी। क्या तुम्हारा मास्टर का नाम था? विवेकानंद। आइए आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से मारा जाता है। माना कि शिक्षा में बच्चे को मारा जाता है क्योंकि उसको याद कराना होता है लेकिन इस तरीके से मारना कहां तक उचित है? आप देख सकते हैं ये लाठी से मारा गया है यहां पे इस तरीके का घाव है चुके ये मारपीट चार पांच दिन पहले हुई थी। बच्चे को की जो माँ है उसके दिल में जब रहा नहीं गया तब ऑटोमेटिकली वो स्कूल गई तब बच्चे का हालत को देखी जबकि रक्षाबंधन पे बुलाने के बहाने मास्टर ने कहा कि रक्षाबंधन का जो ये राखी को हम यहां पहना देंगे। अब देखने वाली बात है कि एक ही बहन है इसको रक्षाबंधन पे भी पाबंदी लगा दिया गया था। कारण ये था कि इसको उस समय में बुरी तरीके से पीटा गया था। हाथ भी तोड़ दिया बेटा ये टूटा हुआ हाथ है। अच्छा सर में दिखाओ तो कहां बोला तो? ये आप देख सकते हैं बिल्कुल कटा हुआ है। अब अंदर में कितना मारा है ये पता नहीं अब तो ये डॉक्टरी जांच के बाद फैसला होगी। पानी मांगने पे क्या बोलता था बेटा? मुंह में लाठी को ये पानी लाठी दे करके मुंह में बोलता था ये पानी पियो। और मतलब किस तरीके से तुम्हारे साथ व्यवहार होता था बेटा? टांग और बहन का उसका कलिया मेरा छाती पर लगता हाँ। लाठी टपला देता था उसका बेटी भी मुझे बहुत मारती थी उसका कन्या भी मारती थी उसका बेटी भी मारती थी और दो तीन विद्यार्थी भी मुक्का से फ्रेंड में मारता था। इस सूरत में क्या आम जन किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का सोच भी नहीं सकता कि उसका बच्चा तो सुरक्षित है ही नहीं। हरिपुर कला से MS परदेसी।